बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्यूअल नेचर जो है पार्टिकल्स की, वो कैसे प्रूव हुई है और वो क्या होती है। 18th सेंचुरी के एंड तक तो सब यही समझते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही हैं और उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन 1900 के स्टार्ट में हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस मिली जिससे हम एटम और उसके कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में हमें थोड़ी नए आइडियाज़ मिले। और उससे हमें ये भी पता चला कि जो लाइट्स होती हैं, लाइट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में हमें कुछ ऐसे क्लूज मिले जिससे ये पता चला कि लाइट समटाइम्स पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला, जैसे एक्सपेरिमेंट्स लाइक फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हुई नज़र आई। इसी तरह लाइट पार्टिकल्स या फोटोन्स जो हैं वो डिफाइंड और मेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उनकी होती है। कुछ और जो फाइंडिंग्स थी उससे ये पता चला कि सिर्फ वेव्स जो हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि बाज़ूकात पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी अल्टीमेटली लेड टू अ रेवोल्यूशन इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर, लाइट एंड हाउ वी व्यू द यूनिवर्स। तो ये जो ड्यूअल नेचर है, लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है और पार्टिकल्स समटाइम्स लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इससे हमें मैटर के अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिवेलप हो रही है मज़ीद, और इससे हम न्यू फाइंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बोहर ये क्वांटम थ्योरी समझने से पहले हमें थोड़ा सा बोहर के एटॉमिक मॉडल को रिव्यू करना पड़ेगा। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था? बोहर ने मॉडल रिप्रेजेंट किया था एटम का, उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो उसका सेंटर है एटम का, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और अच्छा, अब जब रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरीज उसने, ये सारा जो पॉइंट्स जो क्लूज उसने दिए थे वो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करके दिए थे। बोहर एक डेनिश फिजिक्स था, नील्स बोहर, और उसने एक नया मॉडल एटम का प्रपोज किया था 1915 में। उसके मुताबिक कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। यानी किसी ख़ास ऑर्बिट में रहते हुए उनकी एनर्जी उतनी ही कांस्टेंट ही रहेगी, ना हम एमिट करेंगे ना एब्जॉर्ब करेंगे, बट कांस्टेंट स्टेट ऑफ एनर्जी में होंगे। लेकिन जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव करेंगे तो वो एनर्जी एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, या हाई एनर्जी लेवल से जंप करके जब लोअर में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बोहर का जो ये वर्क था, ये एमिशन और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, और इसकी वजह से 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये उसने एक जो हम सपोज मॉडल कह लें बोहर का, कि ये था कि ये N1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N जो है 1, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, उसके बाद तीसरा, चौथा, सोन। तो जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव कर रहा है तो वो अपनी कांस्टेंट इस शेल की जो एनर्जी है उसके लिहाज से मूव कर रहा है। तो इस शेल में मूव करते हुए, हालांकि जो पहले इससे कंसेप्ट आया था कि जी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, देखें अगर वो इस शेल में मूव कर रहा है और इसी शेल में मूव करते हुए एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एनर्जी वो कम होते होते उसकी एनर्जी इतनी रह जाएगी कि वो शेल में आ जाए ऑटोमेटिकली, और जब वो इस शेल में मूव कर रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो फिर अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर तो क्लैप्स हो जाएगा। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक शेल में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी ना एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, वो उसी कॉन्स्टेंट एनर्जी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन अगर वो एक हाई लेवल एनर्जी से लो लेवल एनर्जी में मूव करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो एच
प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यूज की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के लिहाज से, और अगर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है तो उतनी ही एनर्जी जस्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो हाई एनर्जी लेवल को अचीव कर सके। ठीक है, ये बोहर का थोड़ा सा मॉडल था। इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, और इसे एक्सप्लेन किया था एमिशन स्पेक्ट्रा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग बिटवीन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स दैट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हाई एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें, हम ऐड करें तो ये इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये हाई लेवल एनर्जी पे जा सकता है, और अगर हम एनर्जी इसकी एनर्जी अगर कम हो जाए ये रिलीज़ करेगा तो लो एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये फोटोन की शक्ल में, यानी फोटोन ऑफ लाइट की शक्ल में एमिट हो रही है, फोटोन यानी पैकेट्स बंडल ऑफ एनर्जी, और यूजिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स इन द हाइड्रोजन एटम कुड बी डिटरमिन। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है और ये एनर्जी का जो डिफरेंस है बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ये हम इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी कुड बी रिलीज फॉर एनी सिंगल ट्रांजिशन, यानी एक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से मुराद क्या है कि इस लेवल से जंप करके वो इस लेवल तक चला गया, ये सिंगल ट्रांजिशन है, और इस सिंगल ट्रांजिशन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है। जो एनर्जी रिलीज हुई है कुड नॉट बी एनी आर्बिट्रेरी अमाउंट बट वाज इंस्टेंट क्वांटाइज्ड, ये कोई फर्जी अमाउंट नहीं थी जो एनर्जी रिलीज हुई, बट ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, क्वांटम की शक्ल में। अच्छा, दिस फॉर्म द बेसिस फॉर व्हाट लेटर बिकम नोन एज क्वांटम थ्योरी। ये जो क्वांटम की शक्ल में एनर्जी रिलीज हुई है बेसिकली यही एक बेसिक रीजन बनी थी आगे क्वांटम थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, बोहर जो था उसने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, उसका जो काम था उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग पे, इनर वर्किंग ऑफ द एटम्स। हाउएवर ऑल्दो दिस मॉडल वर्क वेल फॉर प्रिडिक्टिंग द एमिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल लाइक बिहेव करता है।